हाजिर हूं मैं राजीव, अग्निपथ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अग्निपथ योजना के ऐलान के साथ साथ सरकार ने इरादा तो दिखलाया था कि देश के युवाओं को अग्निवीर बना देंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पूरा देश ही अग्निपथ पर चल पड़ा है। देश के कई राज्यों में अगर गिनती की जाए तो 12 से ज़्यादा राज्यों में इस वक्त ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कई सारे राज्य, अगर जहाँ जहाँ आप नाम लें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर गुजरात, राजस्थान, सब जगह, और ख़ासकर इनमें बीजेपी शासित राज्यों में गुस्से से भरे हुए नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं ट्रेनें जलाई गई हैं तो कहीं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया है। नेशनल हाईवे जाम किए जा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन में अब तक जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, उस आधार पर बता रहा हूं कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, उनमें से एक तेलंगाना है। और ये गुस्सा और कितनी जिंदगियां तबाह करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। विरोध प्रदर्शन से आम जनता को तो तकलीफ हो ही रही है, लेकिन अब VIP भी कब तक चैन से बैठेंगे ये देखना होगा, क्योंकि बिहार में तो बीजेपी के नेता ही प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बन रहे हैं। देश में आग लग चुकी है और इसकी चपेट में खुद बीजेपी भी आती हुई दिख रही है, क्योंकि अब मोदी सरकार में ही अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी JDU ने इस योजना की समीक्षा करने की मांग सरकार से की है। बिहार में जिस तरह बीजेपी के बड़े नेताओं को विरोध झेलना पड़ रहा है, उसके बाद ये नेता भी कब तक इस फैसले के बचाव में तर्क देते रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे बीजेपी सांसद वरुण गांधी इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैन्य अभ्यर्थियों के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं। वरुण गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि सैन्य अभ्यर्थियों के इस संघर्ष में मैं हर कदम पर उनके साथ खड़ा हूं। आप सभी से निवेदन है कि धैर्य से काम लें और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखते हुए अपने ज्ञापन विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाएं। सुरक्षित भविष्य हर युवा का अधिकार है, न्याय होगा, ये लिख रहे हैं वरुण गांधी। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो यहाँ चूंकि लंबा है नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन उसका लब्बो लुआब यही है जो यहाँ वो लिख रहे हैं। वही बात वहाँ भी अपने वीडियो के माध्यम से जो मैसेज युवाओं को देना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि वरुण गांधी सत्ता पक्ष के सांसद हैं, विपक्ष के नहीं, सत्ता पक्ष के सांसद हैं। इधर कांग्रेस से भी राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी का ट्वीट है कि न कोई रैंक न कोई पेंशन, ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, न कोई रैंक न कोई पेंशन, न 2 साल से कोई सीधी भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इस वक्त, आप सब जानते हैं, वायनाड से, केरल से, और इन दिनों ED के सवालों का सामना कर रहे हैं। आज भी उनको पहुंचना था लेकिन उन्होंने छुट्टी ली आज की, अब सोमवार को ED के सामने पेश होंगे। खैर, लेकिन ED का मामला दूसरा, उससे पहले भी नुपुर शर्मा का मामला भी कुछ अलग, लेकिन उन सबसे इतर, जब आग लगी हुई है तो एक आग युवाओं ने जो लगाई है, भड़काई है, ये आग युवाओं ने भड़काई है या सरकार ने, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के ये नज़र आ रहा है कि पहले से परेशान देश को अपने फैसलों से और परेशान करके मोदी सरकार ने अपने पैरों पर शायद कुल्हाड़ी मार ली है। देश का युवा नौकरियों की उम्मीद न होने से हताश तो पहले से था ही, लेकिन फिर भी खुशफहमी बनी हुई थी कि शायद सरकार कभी उसके लिए रोजगार का बंदोबस्त करेगी। आप याद कीजिए 2014 का चुनाव, 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा। खैर, कभी अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी, फिर कभी स्वरोजगार के मौके भी अधिक बनेंगे, ये तमाम बातें थीं। मगर उसकी इन उम्मीदों पर, यानी युवाओं की इन उम्मीदों पर, सरकार ने अपने मनमाने फैसले का जो कैरोसिन तेल छिड़का है तो युवा एकदम भड़क उठा है। एक हफ्ते पहले तक धर्म के नाम पर देश सुलग रहा था, उसकी तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि अब रोजगार के मुद्दे ने नई आग लगा दी है। इस तरह जलता भारत किस तरह
आत्मनिर्भर बनेगा, किस तरह विश्व गुरु बनेगा और कैसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मोदी जी इसे बना पाएंगे, ये तमाम सवाल जो हैं, इन सवालों से देश जूझ रहा है। लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर जहां मोदी सरकार उत्साहित है, तो वहीं उसी सरकार के कई सदस्य असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। और बिहार से इसकी शुरुआत होती है। बिहार में सरकार मिलीजुली है, मिलीजुली मतलब एनडीए की सरकार है। वहाँ भी एनडीए की सरकार में बीजेपी के अंदर खाने में भी कई लोग, और अगर बिहार से बाहर अगर दिल्ली यानी कि केंद्र की सरकार में आएंगे तो यहाँ भी कई लोग कैमरे के आगे या आधिकारिक तौर पर बयान तो नहीं दे रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के सदस्य, लेकिन ये बात कह रहे हैं कि हाँ शायद गलती हो गई है। आज आइए इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार से इस मसले पर भी गलती हो गई है, इसलिए क्योंकि इससे पहले एक गलती सरकार ने और की थी। किसानों के आंदोलन को जब सरकार को 13 महीने तक झेलना पड़ा था, आप सबने देखा, और फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर के उन्होंने सुबह सुबह 9 बजे टेलीविजन पर क्या कुछ कहा था कि शायद मेरी तपस्या में ही कहीं चूक हो गई, कभी रह गई, क्या यहाँ भी कुछ होने वाला है, समझेंगे। और इन तमाम बातों पर, विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ वरिष्ठ साथियों का एक पैनल मौजूद है। आइए सबसे परिचय करवाऊं। इस वक्त आप देखिए 6 वरिष्ठ साथी हम लोगों के साथ मौजूद हैं। आज पहली बार हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। अखिल स्वामी जी प्रोफेसर हैं एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंस के, और पॉलिटिकल मसलों पर अपने विभाग टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। आपका स्वागत करता हूं अखिल स्वामी जी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, छात्रों से रूबरू होते हैं, दो चार होते हैं, और छात्र इनकी बातों से नाराज़ अगर होते हैं तो इनके ऊपर केस भी दायर करवाए जाते हैं। तो रविकांत जी आपका स्वागत है, लेकिन आपके हौसले को सलाम करता हूँ और दुआ यही है कि हम सब सुरक्षित रहें। और साथ में हमारे साथ 4 और वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी सीधे जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी नमस्कार, आपको करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथ में सुनील शुक्ल जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस गंभीर मसले पर चर्चा के लिए। गंभीर इसलिए क्योंकि देश में आग लगी हुई है। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं अलग अलग जगहों की, उन तस्वीरों से शुरुआत करेंगे। आइए सबसे पहले एक विजुअल देखते हैं। पुलिस हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, जो हमारा अधिकार है वो नहीं करने दे रही है। हम 2 मिनट के लिए वहाँ खड़े हुए और उन्हें हमें खदेड़ना शुरू कर दिया, पूरी तरीके से आशुतोष को खींचते हुए ले गए। आप ये देख रहे हैं, उसके बाद आप इस सिचुएशन में पूछ रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमारी ये हालत कैसी हुई? आपने शुरुआत में नहीं देखा ये सिचुएशन हमारी, आपको जवाब देने की? क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे? हम सरकार की अपनी पास योजना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके साथियों को उठा के ले जाया गया, हमारे साथियों को यहाँ से अभी उठा करके ले जाया गया है, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारे 2 साथियों को अभी खींच करके ले गए, कहाँ ले गए हमें कोई आइडिया नहीं है, हम यही बैठे रहेंगे। हम अपना पूरा प्रोटेस्ट अभी हमारे 3 साथियों को लेकर के गए। हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं, 30 से 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। आप लोग कहाँ से आए? हम स्टूडेंट्स हैं, कॉमन स्टूडेंट्स हैं। मैं आयशा एक्टिविस्ट हूँ। हमारा प्रमुख कारण अभी तो ये देख रहे थे आप तस्वीर, और जो जिस महिला, जिस लड़की की तस्वीर की बाइट आप सुन रहे थे, ये दिल्ली के आईटीओ पर आज सुबह की ये तस्वीर है, ये वीडियो है, विजुअल है। और उसके अलावा अलग अलग बिहार से आपने देखा, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, जम्मू से, हर जगह की तस्वीरें आपके सामने थीं। एक बाइट और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की सुनाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, युवा क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ युवाओं में से एक युवा मुखर होकर क्या कुछ कह रहा है इस योजना को लेकर के, आइए वो भी सुन लेते हैं। मेरा नाम अक्षय रावत है। अच्छा जी। आज रोड शो किया है, धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे, हमारे आगे
हाथ जोड़ जोड़ कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पेंशन तो अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं, हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नई बात माने हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल हम मिल जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीन ली गई हैं, छीन लो सांसें हमारी फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। तो ये गुस्सा आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के फैसले पर हम शर्मिंदा हैं। आप अगर गौर फरमा रहे होंगे तो